हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड इवनिंग दोस्तों आप शुरुआत करेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ में जिसका नाम है फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट राइट सो गाइज लेट स्टार्ट विद न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जी हां दोस्तों आप सभी जानते हो इस सब्जेक्ट की बहुत जरूरत है और वो क्यों है कैसे है अब मैं आपको बताऊंगा एवरीबडी लेट स्टार्ट जस्ट अट जस्ट अट मैं सिर्फ चेक करो कि मैं मेरा सब डेटा ठीक दिख रहा है ओके 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 ऑल गुड ठीक है सो so, दोस्तों let's start. Uh, इस सब्जेक्ट का नाम है बताएंगे कौन सा मैनेजमेंट दिस इज वॉट कम ऑन एवरी वन दिस इज फाइनेंशियल दिस इज वॉट फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल सही था और इसका वि चालू है दान। ओके डन ओके गाइस इस असुविधा के लिए हमें खेद है इंटरनेट का कनेक्शन कभी कभी लॉस हो जाता है आप जानते हैं भारत में इंटरनेट की प्रॉब्लम ही है हमेशा से रही है और कभी कभी ऐसा होता है ना फ्लक्चुएशन आती है अभी ऐसा हुआ कि अपना से इंटरनेट बंद हो गया था

फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट यह सिखाता है कि पैसों को हम लोग मैनेज कैसा करें तो पैसे कमाए हुए हैं उसको मैनेज कैसे करें? अब जो एफएम सब्जेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी अलग है। एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाऊंगा कि एफएम की जरूरत क्या होती है जैसे अगर आप मुझे कहोगे सर आप एफ का प्रैक्टिकल यूसेज कब से करने लगे तो मैं कहता हूं बचपन से क्योंकि मेरे मेरे पापा पापा का बिजनेस था ने बहुत सारे पैसे कमाए तो उन्होंने हमेशा मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि उनके पैसों को मैं मैनेज करूं तो पहले हम लोग डिसाइड करते थे टू एनालाइज एफ में लगाना है क्या गोल्ड में डालना है क्या सिल्वर में लगाना है किसको शेयर मार्केट में डालना है या डिबेंचर में डालना है या बॉन्ड्स में डालना है ये सारी बातें मैं पहले से ही कंप्लीट करते आता और हम लोग डिसाइड करते पापा और मैं कि हम लोग ने पैसे कहा लगाना चाहिए ताकि हमारा जो रिटर्न है उस पर ज्यादा है इंसान पैसे जब लगाता है तो क्या सोचता है कि अंदर से उसको जो मिलने वाला मुनाफा है वो ज्यादा होना चाहिए आई थिंक जिन लोग के जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है काफी लोगों ने आपने ऑलरेडी काम की होगी आपके पापा मम्मी के बिजनेस में आपने ध्यान दिया होगा आपने उनको हेल्प करी होगी कि आखिर हमने पैसे कहां लगाना चाहिए ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए ये अगर चीज हम लोग करते तो समझ जाना हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बचपन से ही करते आ रहे थे सब्जेक्ट आपको यह नहीं सिखाता कि हमने कौन सा धंधा करना चाहिए यह सब्जेक्ट यह सिखाता है कि धंधे में जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसको हमने कहां पे लगाना चाहिए और धंधे के लिए पैसे कहां से लाना चाहिए तो यह सब्जेक्ट जो एफ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एफ सब्जेक्ट इज अ प्रैक्टिकली ब्रोकन डाउन इंटू टू पार्ट इसमें दो चीजें होती है इसमें वैसे आठ चैप्टर्स है और दो चीजें इसमें सीखा जाती है एक तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मतलब कहां से हम लोगों ने पैसे लाना चाहिए ये सब्जेक्ट के दो आठ चैप्टर से बहुत ही सिंपल एकदम ऐसा बात बताऊंगा आपके दिमाग में एकदम ठोक देंगे एफएम सब्जेक्ट में दो चीजें होती है एक तो पहले सिखाएगा कि पैसे कहां से लाना है और कौन सी जगह से लाना है और फिर दूसरी चीज समझाता है कि पैसे जो लाए हैं हमने वो कहां लगाना चाहिए तो एक कहते प्रोक्योरमेंट और एक कहते इन्वेस्टमेंट बस प्रोक्योरमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एफ सब्जेक्ट तो एफएम सब्जेक्ट तो के जो आठ चैप्टर है चार चैप्टर टॉक्स अबाउट और दूसरे चार चैप्टर टॉक्स अबाउट वर्ड इसको इन्वेस्ट करे तो कुछ दिखाना चाहता हूं आई आई। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं यहां पे। बस ये रही आपके सामने वो चीज आइए देखते चीज को आपको समझना है और इसके बाद में आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगेगा समझने के लिए देखते हैं सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा आज बारी बारी जी हाँ इट आउट। ये रहा आपके सामने आपके सामने स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा देखिए।

करने का सोचा है. हम, हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए फ्लैट बनाए कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाए दुकानें बनाए ऑफिस बनाए ये हमारा बेसिक काम मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव हम ये सब काम करें आप मुझे बताओ क्या जब इंसान ये बिल्डिंगें बनाता है एग्जाम्पल बिल्डिंग्स इट बी एनी बिजनेस पर अभी हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं कंस्ट्रक्शन की जो रियल लाइफ है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ओके फाइन कम ऑन कॉन्सनट्रेट तो आप मुझे बताओ ये काम करने के लिए जब मैं कोई बिल्डिंग बनाऊंगा जब कोई रो हाउस बनाऊंगा या फ्लैट बनाऊंगा मुझे क्या लगेगा लैंड लेबर स्टील सीमेंट इस तरह की चीजें बहुत सारी लगी तो ये सब चीजें करने के लिए क्या लगेगा

या फिर उसको जलर बनना या उसको कुछ भी बनना भी एनी बिजनेस वो बिजनेस की आइडिया सोचने के बाद में फिर सोचता है अरे ये पैसे कहां से लाए हमारे सपनों को सजाने का काम ये पैसे करता है इसलिए हमारे प्रोक्योरमेंट जानना जरूरी है अब आपसे सवाल है आप सभी से सवाल आप मुझे बताओ कि पैसे कहां कहां से ला सकते हैं हम लोग कौन से सोर्सेस अवेलेबल है कहां कहां से पैसे लाए जा सकते हैं कैन यू प्लीजी पैसे लाने की जगह कौन सी है बताएंगे अगर आपने अकाउंट से भी कुछ ऐसी चीजें रेस यूनिफ यू टू रियली रेस फंड कौन सी कौन सी जगह है जहां से हम लोग पैसों को उपलब्ध करवा सकते हैं बताएंगे नंबर वन जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट से पैसे ला सकते हैं शेयर मार्केट से हमारे कंपनी का आईपीओ लाके कर सकते हैं दूसरी बात हम लोग डिबेंचर लाके तीसरी बात बैंक के लोन्स लेके चौथी बात ऐसे बहुत सारी हमारे खुद के रिजर्व भी हम लोग यूज कर सकते जो हमारी जमा पूंजी हमारे, हमारे खुद के पैसे जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग जो है दोस्तों बहुत सारे अलग अलग तरीके से मेनली डेट और इक्विटी से पैसे ला सकते हैं तो इन सारे अलग अलग जगहों से जब हम लोग पैसे लाते वेरियस सोर्सेस यहां पे मैं एक्सेट्रा लिखता हूं और भी बहुत सारे फंड्स हैं आप मुझे बताओ इस तरह से जब पैसे रेस करते हैं तो मेरा एक सवाल है आपको ये सीए इंटर का छात्र होने के नाते आपको पता होना चाहिए कल अगर आपको बिजनेस में जाएंगे तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि और आर अवेलेबल विथ यू कौन सी कौन सी जगह से आप पैसों को आपके सामने उपलब्ध करवा सकते हो इसीलिए चैप्टर नंबर वन आपके सामने आता है जो आपको सिखा रहा है टाइप्स ऑफ फाइनेंस इस चैप्टर वन में सिखाया जाता है कि कौन से कौन से जगह से पैसा लाके मैं और मयूर बिजनेस चालू कर सकते हैं तो मैंने और मयूर ने चैप्टर पढ़ना चाहिए to make us understand, so we can understand कि आखिर हम लोग पैसे कहां कहां से ला सकते हैं कौन सी कौन सी मार्केट से पैसे ला सकते हैं और उनके अंदर क्या रिस्क है चलो एक सवाल है सभी लोगों से बहुत ही खास है दिमाग लगेगा जवाब दे देना और जब भी हम लोग कभी मार्केट से पैसे लाए तो आपको क्या सोचना ज्यादा जरूरी है क्या जरूरी है सबसे ज्यादा क्या सोचकर पैसा लाते हो आप काम कर दो सोचो ही मत सब कुछ डिबेंचर क्यों नहीं लाते सब कुछ शेयर क्यों नहीं लाते डिसाइड करेंगे कि शेयर से लाए पैसे क्या डिबेंचर से लाए पैसे क्या लोन लाए कैसे निर्णय लिया जाएगा किन मुद्दों को सामने रखा जाएगा ऑन वॉट ग्राउंड यू कैन डिसाइड कि कौन सा आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए देवांश बताएंगे जाओ कुछ भी कर लो एक काम करो सौ करोड़ चाहिए डिवेंचर ले लो एक काम करो सौ करोड़ का आईपीओ ले लो क्या सोचते होंगे लोग कुछ डेट लाते एक शेयर्स लाते क्या दिमाग में होता होगा बिल्कुल सही जवाब है हम लोग कभी मार्केट से बाजार से पैसे उपलब्ध कराते हैं अपने धंधों के लिए तो सबसे पहले दिमाग में बात होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट सबसे कम होना चाहिए यानी कि एफएम नाम का सब्जेक्ट ये कहता है कि आपको बिजनेस करने के लिए प्रोक्योरमेंट करना जरूरी है और प्रोक्योरमेंट करते समय आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात होना जरूरी है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी कॉस्ट कम से कम होना जरूरी है यानी कि आपने प्रोक्योरमेंट अच्छा कर दिया अगर आपने प्रोक्योरमेंट कर लिया पैसे आपके आ गए

कि आखिर कौन सी चीज की कॉस्ट कितनी होती है भाई जब मैं पैसा लाऊंगा तो मैंने सोचना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो मैं डेट मैं शेयर्स मैं लोन सबको कंपेयर करूंगा और या फिर प्राइवेट लेंडिंग वालों को भी चेक करूंगा मेरे दोस्तों से भी पूछूंगा कि तुम कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे मैं बैंक से पूछूंगा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे और मैं उसी के सेलेक्ट करूंगा जिसकी कॉस्ट कम हो एक बात पूछा आपसे पूना का एग्जाम्पल तो प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे कुछ फ्रेंड्स बिल्डर हैं मैंने उनसे पूछा कि जब तुम बाजार से लोन लाते हो तो कितने में गिरता तो बोलते आजकल बैंक हमें 12 तेरह परसेंट दे देती है मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मैंने कहा पुना में और भी जो बिल्डर्स है जिनका नाम है एक बहुत बड़ा बिल्डर जिसका नाम पंचशील है तो मैंने पूछा मेरे दोस्त को बहुत बड़ा वन ऑफ फाइनेस्ट बिल्डर पुना के है, आप अभी भी चेक कर सकते हो चोरडिया मैंने पूछा कि भाई साहब ये जो लोग हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो कुछ ज्यादा ही है तुम लोग भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हो वो भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है आखिर उनकी ग्रोथ इतनी हुई कैसे प्रॉब्लम क्या है तुम लोग आगे उस स्पीड से क्यों नहीं बढ़ सकते हो बोलता है सोर्स ऑफ फाइनेंस मैंने मैं नहीं। मैंने कहा कहा मैं तुम्हारी बिल्डिंग भी अच्छी है उनकी बिल्डिंग भी अच्छी है वो उनको होता है, तुम्हें प्रॉफिट कम होता है वो बात कहने लगा पैसे तो हम भी लाते हैं और पैसे तो वो भी लाते हैं हम इंडिया के बैंक से पैसे लेते हैं और वो फॉरेन की बैंक से वर्ल्ड बैंक से पैसे लाते हैं और ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए उन्होंने कंपनी का रेपुटेशन इस तरह से बढ़ाया हुआ है कि उनको जो लोन उनको जो फंड्स मिलते हैं उसकी कॉस्ट तीन से चार परसेंट से ज्यादा नहीं होती है और तो हम इंडिया के बाजार से पैसा लाते हैं हमारी कॉस्ट नौ परसेंट यानी कि बारह परसेंट उनकी तीन होती है हमारी नौ परसेंट से बढ़कर बारह परसेंट हो जाती है तो बताओ उनका फायदा कैसे ज्यादा होगा ऑब्वियसली उनका ज्यादा ही होगा क्योंकि उनकी कॉस्टिंग कम है यानी कि वो सस्ते रेट पर फ्लैट बेचते भी है फिर भी वो मुनाफा कमा जाते हैं इसलिए याद रखना दोस्तों पैसा उपलब्ध उपलब्ध करने के लिए करना जरूरी नहीं दिमाग में को, पैसा लाना कठिन है, है।, है।, है यानी कि नौ परसेंट तो आज ही फायदे में है इसलिए दिमाग रखना चैप्टर नंबर टू आपको समझाएगा कि कैसे हम लोग इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं इसलिए चैप्टर नंबर टू आपको दिया जाता है दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं आइए कुछ और देखते हैं चलो आपसे कुछ बातें करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है चल मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं देखते हैं आपका नॉलेज कितना है। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ चीज आ रही है <गी> कैसे ओके आपके सामने चार ऑप्शन आप, चार ऑप्शन है ये भी मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है चलो पर इससे पहले मैं आपको बात समझाता हूँ एक बात का ये क्वेश्चन पूछने से पहले मेरा एक सवाल आपसे है कि हमने अगर हमने अगर पैसे लाने के लिए पैसे लाने के लिए दो चैप्टर्स को हमने देखा एक देखा हमने टाइप्स ऑफ मेरा एक प्रश्न है पैसे लाते समय क्या सोचना चाहिए और पैसे लगाते समय क्या सोचना चाहिए एफ के दो चीजें थोड़ा दिमाग लगाइए प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस करते समय आप तो कि कॉस्ट कम से कम होना चाहिए तो आपसे मेरा सवाल है जब आप वो पैसे लगाते हो अपने धंधे में और मतलब मैंने और मयूर ने अगर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पैसा लगा तो हमने क्या सोचकर पैसे लगाना चाहिए पैसे लगाते समय तो सोचते कि कॉस्ट कम होना चाहिए पर पैसे लगाते समय क्या सोचना चाहिए कौन से धंधे में पैसे लगाए आप सभी जानते तो हैं आजकल कर धंधे करने वालों के लिए हजारों धंधे उपलब्ध है तो आप बताएं कौन से धंधे में पैसे लगाए इन्वेस्टमेंट कहां करें कौन सी जगह पे करें मेरे पास तो ऑप्शन है मैं तो थिएटर का बिजनेस चालू कर दू मेरे पास ऑप्शन है मैं सीमेंट का फैक्ट्री खोल दू मेरे पास ऑप्शन है मैं ज्वेलर बन जाऊं मेरे पास में ऑप्शन है मैं रियल एस्टेट में चले जाऊं आप बताओ भाई और बहना कि मैंने कौन से धंधे में जाना चाहिए जिसका रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है बिल्कुल आई एम सो प्राउड ऑफ यू यहां पे सही जवाब प्राप्त हो रहा है और आपने भी शायद से दिया होगा हमारी कॉस्ट अगर 10 परसेंट है और जिस धंधे में मैं पैसे लगा रहा हूं अगर उससे रिटर्न अगर नौ परसेंट आए तो एक काम करो भाई साहब कुछ ना करो घर में बैठ जाओ धंधा करने के लिए दुनिया को तमाशा ध्यान का नहीं है कि मैं धंधा कर रहा हूं करो कर लो बर्बाद हो जाओगे इसलिए पैसे लाना पहले देखो कि उसकी कॉस्ट कितनी है और यह देखो कि लगाते समय उसमें से पैसे कितने आने वाले कॉस्ट इज हायर द बेनिफिट इट्स बेटर

मैं बोल रहा हूं नहीं एफ एम सब्जेक्ट सिखाएगा आज बैच का पहला दिन है आपको देखो कैसा है ना अगर मान लीजिए मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं अकाउंट्स आपको इलेवें ट्वेल्थ फाउंडेशन में इसलिए इंटरमीडिएट में अगर अकाउंट्स के टीचर ने डायरेक्टली अकाउंट्स चालू भी कर दिया ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू हैव गॉट बैकग्राउंड ऑफ इट बट इफ एम स्टार्टिंग

बिकॉज़ वो जब पढ़ेंगे ना आपको धीरे धीरे एहसास हो जाएगा कुछ अलग ही चीज है कई लोगों ने आप में देखा होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है मुझे शेयर मार्केट में डील करना है मुझे ये करना है मुझे वो करना है देखो भाई साहब शेयर मार्केट में दो टाइप के लोग डील करते हैं एक भगवान विश्वास हैं पर विश्वास करते और दूसरे नॉलेज पर विश्वास करते हमें भगवान पर विश्वास करने वाले लोग नहीं चाहिए हमें वो समझ वो लोग चाहिए जो ऐसी स्क्रिप्ट में और ऐसी बाजार में ऐसी शेयर ऐसी कंपनी के शेयर ले जिसका बैकग्राउंड जिसका नॉलेज जिसकी बैलेंस शीट आपने स्टडी करके रखी हो जिसके पीएनएल जिसके कैशलुक को आप पूरा तरह से जानते हो हमें इनफॉर्म्ड डिसीजन मेकर बनना है अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मैंने शेयर मार्केट में अपनी जिंदगी बनाना है आ, मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है मुझे सिक्योरिटी मार्केट में काम करना है तो आपके लिए ही सब्जेक्ट बना हुआ है दिस सब्जेक्ट विल विल मेक यू अंडरस्टैंड टू डिसाइड कि कौन से कंपनी में पैसे लगाना जरूरी है और कौन से कंपनी हमने नहीं लगाना चाहिए आम जनता देखते है उसने बोला उस पैसे लगा दो तो लगा दे है। या फिर भगवान को भगवान कुछ नहीं करेगा जो भी करेगा बैलेंस अच्छी है और किस में पैसे लगाएं या किस में न लगाएं ये सब्जेक्ट आपको इतना नॉलेज दिलाएगा कि आप खुद अपने बुनियाद पर ये डिसाइड कर पाओगे कि आपने कौन से कंपनी में पैसा लगाना चाहिए को सीखो बहुत मजा है इसके अंदर मतलब कुछ दिनों बाद तो आपको ऐसा लगेगा चलो लेट्स इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट लेट्स अर्न हो सकता है इस क्लास के सुनने के बाद आप इतने प्रभावित हो जाओगे कि आपका खुद का अकाउंट बन जाएगा और खुद इन्वेस्ट करने लोगे मैं आपको उस कैपेबिलिटी का बना दूंगा ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है बहुत शुक्रगुजार है हम आईसीए के उस बंदे के कि जिन्होंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया बहुत इंटरेस्टिंग है है ये बिल्कुल बोरिंग ओके दोस्तों अच्छा आगे बढ़ते हैं आओ दोस्तों आज एक समय आ चुका है आपके साथ में एक बैलेंस शीट को शेयर करते हैं आओ, आप बताएंगे देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसको हम रील कहते हैं और इसके आप जानते हो उसके एमडी और चेयरपर्सन कौन है मुकेश जी अंबानी राइट आइए दोस्तों देखते हैं मुकेश अंबानी आजकल बहुत सुर्खियों में है जब से फेसबुक ने उनकी कंपनी में 9.99 परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया जियो के अंदर और उस 9.99 परसेंट लेने के लिए फेसबुक के मालिक मार्क्सरबर्ग ने 43,000 करोड़ रुपीस लगाए यानी कि 43,000 करोड़ कितनी बड़ी संख्या होती है 43,000 करोड़ तो दोस्तों आइए आपके सामने देखते हैं मुख्य अंबानी की बैलेंस शीट दोस्तों इसकी बैलेंस शीट इस सब्जेक्ट में नहीं देखोगे तो किस में देखोगे सर इसके क्यों बाकी लोग नहीं बिकॉज ये भारत की ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है ये तो रिचेस्ट पर्सन तो है ही पर यह भी इनके नाम पर रिकॉर्ड है कि इनकी कंपनी का मुनाफा जो है वो सबसे ज्यादा चलो मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप बताएंगे अनुमान है आपको एक साल में कितनी कमा लेती है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मैं टर्न की बात नहीं कर रहा मैं अर्निंग की बात कर रहा हूं कैन यू में पांच हजार करोड़ दस हजार करोड़ फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ एंड द आंसर इज दे आर अर्निंग मोर देन थर्टी फाइव थाउजेंड करोड दोस्तों थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ जो है ना मैं थर्टी फाइव थाउजेंड रुपए नहीं बोल रहा हूँ एक करोड़ दो करोड़ सौ करोड़ हजार करोड़ दो हजार करोड़ पांच हजार करोड़ दस हजार करोड़ आई एम टॉकिन थर्टी फाइव थाउजेंड करोड आपको शायद से लिखते भी नहीं आएगा इतने पैसे वो कमाता है ये मैं सारे खर्चे जाने की बात की संख्या बोल रहा हूं एम नॉट टॉकिंग अबाउट टर्न ओवर लोग के टर्न ओवर भी नहीं होते इमेजिन करो आपके धंधे का टर्न ओवर कितना है तो आपको समझ में आएगा इंसान बड़ी चीज है आइए बहुत ही अच्छी बात है आज के हमारे कि हम इनकी बैलेंस शीट देखने जा रहे हैं बहुत ही मजा आएगा आपको आपके सामने बैलेंस शीट दो तो ये रहा यह सुनना मौका आप देख जा रहे हैं आपके सामने सबसे बड़ी खबर आपके सामने दोस्तों आइए इनकी बैलेंस शीट पहले देखते हैं और देखते हैं इनका नेटवर्थ आप जरा 2016 से लेके 2020 तक आप देख सकते हैं इनके पास के नेटवर्क चार लाख चौबीस हजार फाइव हंड्रेड एंड एटी फोर यानी कि फोर लैक रुको रुको कुछ प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है लेक्चर में एक मिनट एक मिनट चेक करो चेक करो माइक चेक माइक चेक अटक रहे ना कुछ तो। hmm. एक मिनट आएंगे बस मुझे मेरे बंदे से बात करने दो ऐसा ना हो मैं आगे चले जाऊँ और मेरा लेक्चर खराब हो जाए uh, आज फर्स्ट डे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस डोंट वरी अटक रहा है से रहे कुछ इतना लेक्चर अटक रहे जल्दी करो ठीक नहीं ना क्या हो रहा है स्टार्ट कर सकते हो मैं? एक बार चेक करते रहना ओके लेट्स स्टार्ट स्टार्ट कर दो हमें पढ़ा ओके गाइस ओके गाइस हम लोग कहां थे हम लोग देख रहे थे बैलेंस शीट आपके सामने क्या हुआ ही? भाई कैसे होगा वो टच नहीं हो गया ना हेलो कुछ तो हुआ है चेक करो अब मुझे गूगल क्रोम खोल के दो जल्दी करो चालू अभी ठीक है डन तो दोस्तों आपके सामने ये जो बैलेंस शीट दिख रही है दोस्तों ये बैलेंस शीट लायक है सर आप ये बैलेंस शीट क्यों दिखा रहे भाई इसको दिखाना बहुत जरूरी है आपने देखा नहीं भाई इस बंदे का रिजर्व देखो रिजर्व इसको जमा पूंजी कहते हैं आप सभी लोग जानते हो आपने अकाउंट बढ़ाए जो प्रॉफिट लोग कमाते हैं पर खर्च नहीं होता है उसको हम लोग रिजर्व कहते हैं ऐसे रिजर्व उनके पास में एक लाख करोड़ नहीं दो लाख करोड़ नहीं तीन लाख करोड़ नहीं बल्कि चार लाख करोड़ से ज्यादा नॉट चार लाख चार लाख करोड़ से ज्यादा का रिजर्व है भाई आप समझते हो कि रिलायंस कितने धमक के मार्ग में चार लाख करोड़ किसो बोलते हैं भाई इसीलिए तो ये इंसान कुछ भी करता लोग भी है लोग कुछ डरते हैं ही इज जस्ट क्रेजी इज अर्निंग सो मच फोर लाख करोड़ का रिजर्व है आप मुझे बताओ इस समय पर आपको बैलेंस शीट में और एक चीज दिख रही सिक्योर्ड लोन दिख रहा होगा अनसिक्योर्ड लोन दिख रहा होगा आप उन्हें ध्यान दिया होगा टोटल लाइबिलिटी इनकी छे करोड़ के ऊपर की है पर उस लाइबिलिटी में कुछ डेट्स है यानी कि लोन्स है, उसमें कुछ इक्विटी कैपिटल है कुछ रिजर्व है डेट का इक्विटी का उसके आपको लगता नहीं ये जो कॉम्बिनेशन है ऐसा नहीं कि पूरा डेट है ऐसा नहीं कि पूरे शेयर है ऐसा नहीं कि पूरा रिजर्व है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है चैप्टर नंबर थ्री यही कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारी लाइबिलिटी साइड में जो चीजें हम लोग लेते हैं देखो प्रोक्योर यानी कि पैसा लाते हैं कुछ पैसा इन्होंने अपना खुद का निर्माण किया जिसको हम लोग रिजर्व करते हैं कुछ पैसा हमने क्या किया क्रमोन क्रमॉन कुछ हमने डे भी लिया पूरा डेट नहीं लिया क्या एक सवाल पूछो मैं आपसे पूरा डेट क्यों नहीं लिया पूरा पूरा क्या पूरा डेट लेने का नुकसान क्या है सभी लोग मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरा क्या पूरा डेट लेने का नुकसान क्या है क्या प्रॉब्लम होगा वॉट रॉन्ग कैन मैं इक्विटी रेज नहीं करूंगा मेरे पास रिजर्व नहीं पूरा, क्या? पूरा मैं लोन ले लूंगा तो आप मुझे बताएंगे बता नहीं नहीं मैं, मैं तो बोल रहा मैं डेट लूंगा शेयर नहीं दूंगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विन आई इश्यू डेट्स जब मैं लोन लेता हूं ना मेरी रिस्क बहुत इसलिए बच जाती है कि मैं पैसा कमाऊं ना कमा मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना जरूरी हो जाता है इसलिए बेवकूफी ना करे भाई और बनाओ पूरा डेट निकालने का काम ना करे पूरा क्या पूरा डेट लेने का आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी को डेट नहीं मिलेगा वो चाहते तो पूरा डेट खड़े कर देता पर उसने अभी भी अपना ओनरशिप डाइल्यूट किया ओनरशिप उन्होंने अपना डाइल्यूट किया उन्होंने पूरा के पूरा शेयर इशू नहीं किया उन्होंने ओनरशिप डाइल्यूट किया यानी कि लोगों को बोला कि तुम हमारे कंपनी में ओनर बन जाओ क्योंकि जो शेयर हम लोग इश्यू करते हैं उसकी लाइबिलिटी नहीं ज्यादा होती बिकॉज हम लोग कमाए तो डिविडेंड देंगे और नहीं कमा तो नहीं देंगे पर डेट केस में थिंग्स आर टोटली डिफरेंट वेदर आई एम अर्निंग आई एम नॉट अर्निंग मुझे इंटरेस्ट देना जरूरी है इट इज वेरी रिस्की समझाया जाता है इक्विटी कितना, कितना होना चाहिए क्या प्रपोर्शन होना, होना, होना चाहिए और किस तरह से हमने पैसे लाना चाहिए पूरा शेयर्स नहीं पूरा डेट नहीं कैसे कॉम्बिनेशन में ला सकते हैं इसको सिखाया जाता है क्योंकि शेयर्स अगर पूरा ले, ले लेंगे तो पूरी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी सब लोगों को हमारी जिस अगर मैं मुकेश अंबानी ने अगर डेट नहीं लिए होते और पूरे आईपीओ लेकर आ जाता पूरे शेयर से पैसे लेते तो उसका खुद का ही ओनरशिप कम हो जाता इसलिए उसने पूरा अपना ओनरशिप डाइल्यूट नहीं किया आज भी जितना मैंने लास्ट टाइम देखा था 45 परसेंट से ज्यादा का आ, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है आज भी मुकेश जी के हाथ में है समझ में आया मैं, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया 45 यानी कि 100 अगर है तो 45 परसेंट बंदे के पास 55 के लोगों से लिया हुआ है। Able to understand what I said? इसका इसका मतलब मतलब आपको समझना चाहिए कि, आ, इसका मतलब यह समझना चाहिए चाहिए कि कि आपने कोई भी कंपनी का जो डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना डेट मतलब कि जो हम लोग लोन से या डिबेंचर से पैसे लेते हैं और इक्विटी मतलब हम लोग शेयर्स आपने तो एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा हाल ही में चलो आओ एक न्यूज देखते इस न्यूज के बाद में आप मुझे समझाना मुकेश जी ने कदम क्यों उठाएगा जरा आप देखते हैं न्यूज पता है आपको तो आपको यह नहीं पता ऐसा हुआ क्यों आइए देखते ना अब देखते हैं दोस्तों ये न्यूज आपके सामने क्या है आई एम हेयर टू शेयर विथ यू सम न्यूज टूडे ऑल ऑफ एस at Reliance and Jio i delighted to welcome facebook inc as our long term and esteemed partner at the core of our partnership is the commitment that mark zuckerberg founder of facebook and i share for the all around digital transformation of india and for serving all indians together our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make. बराबर ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी मेरी आवाज मैंने म्यूट किया था पहले वापस चालू नहीं किया आई थिंक यू कैन हियर मी ना राइट ओके ठीक है सो दोस्तों मैं कह रहा था किसके बारे में आई वॉज टॉकिंग अबाउट मुकेश अमानी और अनिल अबानी के बारे में मैं बोल रहा कि अगर भगवान के भगवान का जो स्थान होता है मंदिर में वैसा ही स्थान है एफएम के सब्जेक्ट में मुकेश अंबानी का अगर आप एफ एम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको अगर मुकेश अंबानी के बारे में नहीं पता तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा दोनों के बारे में जानने की कोशिश करेगा एक अनिल और एक मुकेश जब बंटवारा हुआ था दोनों की स्टेट सेम हुआ करती थी सिर्फ एक बंदे ने कहा कि मैं इंडस्ट्री रखूंगा अपने पास ही बिकॉज मेरे पापा की कंपनी है मुझे पैसे नहीं चाहिए और दूसरा बोला मुझे कैपिटल चाहिए मुझे पैसा चाहिए मुझे कैशविच बनना है एक समय तो यह भी था जानकर आपको हैरानी होगी जब इनका बंटवारा हुआ रिलायंस मनी रिलायंस कैपिटल ये सारी चीजों में पैसा होने की वजह से अनिल अंबानी के पास कैश पिच होने की वजह से वो भारत के टॉप टेन की लिस्ट में हुआ करते थे और तब उस समय पे मुकेश अंबानी भारत के टॉप फिफ्टी में भी नहीं थे जब बंटवारा हुआ सोचने की बात है बहुत बड़ी बात है साहब इंसान का निश्चय इंसान का निर्धार ऐसा होना चाहिए मुकेश अंबानी जैसा इन्होंने बहुत सारे धंधों में पैसे नहीं लगाए एक अनिल अंबानी सब को वो कंपनी ले रहा है अरे कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया तुमने अनिल जी कहां डाले आपने पैसे खास सब को पढ़ लेते आपके भाई से सीख लो वही धंधे किए उन्होंने जो उनके समझ में आए कभी ये लिया कभी आपने वो लिया एक भी धंधे में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ आखिरी में क्या हुआ भी बर्बाद कर दिया खुद का दिवाला निकल गया आपका और नही बात मुकेश जी की ज्यादा धंधे नहीं किए तीन धंधे थे जो जो उनको विरासत से मिले थे और चौथा धंधा चालू किया उन्होंने रिलायंस जियो बस इन चार धंधों के अलावा कुछ नहीं किया पर उनमें दो भी काम किया यानी कि सोचिए पैसे दोनों के पास है आज तेरह साल चौदह साल पंद्रह सालों के अंदर एक बर्बाद हो गया और एक इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया जो पचास में नहीं था वो रिचर्च बन गया और जो टॉप टेन में था उसका दीवार निकल गया दोनों के बीच में एक ही फर्क है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए कहता हूं पैसे कमाना आसान है पर पैसों को संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है अनिल जी काश ये सब्जेक्ट पढ़ लेते ना आज नौबत नहीं आती आज बैंक को भी बर्बाद किया खुद भी बर्बाद एम्प्लॉय बर्बाद सारे स्टेक होल्डर बर्बाद दीवार निकल चुका है इस बंदे का क्यों एफएम सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा आई देखें इनके बारे में कुछ खास कर आपके सामने यह yeah. मुकेश okay, जी जिन्होंने uh, मैं इनकी न्यूज सुना रहा हूं बस एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे यह आपके सामने है अनिल अंबानी जरा ध्यान से देखिए मैं विकीपीडिया पे ले रहा हूं आपके सामने अनिल अंबानी और विकीपीडिया से देखते क्या हुआ है ही इज द चेयरपर्सन ऑफ डांस ग्रुप विच वॉज क्रिएटेड इन जुलाई टू थाउजेंड सिक्स फॉलोइंग डी मर्जर फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भी रिलायंस आई थी रिलायंस हाँ, जिनके शेयर ले लेके लोग डूब गए काश आपने ठीक से धंधे किए होते ना जी कई लोग बच जाते आपके नाम पर लोगों ने विश्वास किया और आप लोगों को बर्बाद किया लोगों ने ये सोचा रिलायंस है पर लोगों को क्या पता था इस रिलायंस के पीछे अनिल है भाई आइए द एंटरटेनमेंट 44 एफएम रेडियो देखो भाई तुम ए, जो काम आता वो करो ना यार इधर पैसे लगा मजाक लगा रखा है तुमने इधर पैसे लगाया उधर लगा इधर लगाया जो आता वो करो ना यार ये कौन सा फाइनेंस मैनेजमेंट है तुम्हारा अरे पैसे दिए भगवान की भगवान की हया से पैसे मिले तो उसको संभालो ढंग से लगाओ सही जगह पे लगाओ उस धंधे में लगाओ तो आपको समझ पड़ता है ये भी कर लो वो भी कर लो ये भी कर लो सब अब क्या मिला आइए देखो क्या मिला देखो देखो भाई देखो जरा बुरा मत मानिए अनिल जी पर जो दिल का दर्द है हमने भी आपकी कंपनी के शेयर लिए थे और आपने दुनिया के साथ में हमको भी बर्बाद किया आइए देखते हैं देखो यहां पे लिखा है इस लाइन को मैं ठीक से पढ़ता हूं थर्ड लाइन पढ़ रहा हूं डिक्लेयर बिफोर यूके कोर्ट ऑन फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी दैट इज नेटवर्थ जीरो एंड ही इज अ बैंक्राफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी में क्यों आपके एफ एम के लैक ऑफ नॉलेज एक जमाने में लोग आपको सबसे ज्यादा विज्ञानी मानते थे आपको पैसे लाना आया पैसे लगाना नहीं आया का से आपने का चार चैप्टर ही पढ़े थे पहले दूसरे चार चैप्टर पढ़े ही नहीं प्रोक्योरमेंट पढ़ा <laughs> इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ा आपने कमाल करते आपके भाई से सीखना था आपने देखो दुनिया के बिजनेस आफ्टर इस फादर्स डे अनिल अंबानी टुकोर क्या क्या कर दिया भाई रिलायंस विद इंटरेस्ट ऑफ टेलीकॉम एंटरटेनमेंट फाइनेंशियल सर्विस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अरे अरे कितना कितना इतने काम करने की जरूरत ही नहीं थी साहब सीखना था आपने आपके भाई से कोई बात नहीं है देखो आपके भाई ने क्या काम कर दिखा है फेसबुक तक मजबूर उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइए देखते हैं खास खबर भर की इंडस्ट्री हराशाही हो गई है बहुत बड़ी हिस्सेदारी से माना जाएगा नौ दशमलव नौ नौ फीसद कुल मिलाकर आप इसे कह सकते हैं दस प्रतिशत के आसपास दस प्रतिशत थोड़ा सा कम एक परसेंट पॉइंट वन परसेंट की कमी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाएगा फेसबुक की जियो में देखिए तैतालीस हजार पांच सौ चौहत्तर करोड़ रुपए की ये डील है उस मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता रक्षित सिंह रक्षित ये डील के पीछे की कहानी क्या है विकास देखिए जिस तरीके से फेसबुक का सबसे बड़ा जो बाजार है वो भारत ही है और जिस तरीके से व्हाट्सएप की जो आ, यूजर बेस है वो हिंदुस्तान में ही सबसे बड़ा है तो कहीं ना कहीं जियो प्लेटफॉर्म्स में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है यानी कि जियो के जितने भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन उसमें ये हिस्सेदारी खरीदी गई है और अब एक और इसके साथ में महत्वपूर्ण डील हुई है वो हुई है एक ऐसा ही एप्लीकेशन है जियो का और रिलायंस रिटेल का और व्हाट्सएप का यानी कि कुल मिलाकर इसको आसान शब्दों तो में ऐसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में देश भर के करोड़ों आ, जो हाँ। भी किराना दुकानदार हैं उन सबका एक प्लेटफॉर्म तैयार तो किया जाएगा और व्हाट्सएप के जरिए ही पूरा लेन देन होगा तो रिटेल मतलब बात का लबुलुबाब ये है की दिखने में ये डील जियो और फेसबुक की है लेकिन है इसमें व्हाट्सएप भी देखिए व्हाट्सएप जो है वो व्हाट्सएप फेसबुक का ही हिस्सा है आज की तारीख में तो व्हाट्सएप एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो कुल मिलाकर ये प्लेटफॉर्म की डील है अब इसके जरिए होगा क्या होगा अगर मैं आपको बता दो दोस्तों अभी आप जो आप देख रहे थे इस डील में अगर रिलायंस चाहता तो ये सारे काम करने के लिए आप सभी जानते हो रिलायंस को पैसे चाहिए रिलायंस पैसे चाहता तो डेट के द्वारा भी वो उपलब्ध करवा सकता था मार्केट से लोन लेके पर उसने समझा कोरोना का माहौल है रिसेशन चल रहा है क्यों अपना डेट खड़े कर ले डेट लेकर कहां इंटरेस्ट भरे एक काम करते ना भाई डेट नहीं लेते कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा करते कि किसी और को ही ले लेते यानी कि उन्होंने अपना अपना शेयर कम कर दिया और मार्क्स जकरबर्ग को बोला कि तुम आगे लगा दो इसका मतलब यहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर में उन्होंने डेट को नहीं बढ़ने दिया बिकॉज डेट बढ़ता तो आज के इस कोरोना माहौल में जहां पे वर्ल्ड रिसेशन की ओर जा रहा है अरे डेट लेके क्या खाक करूं और बैंक को रेड बैंक तो इंटरेस्ट बता रहा सोचो आज तो ये माहौल है पता नहीं आगे धंधे चलेंगे या नहीं और एक साल चलेगी दो साल चलेगी नहीं बैंक तो बोलेगी आओ भाई इंटरेस्ट इसलिए बंदा होशियार है कैपिटल स्ट्रक्चर भी समझता है इस बंदे को एफएम को ठीक से जिया है मुकेश भाई आपने क्या बात है दोस्तों आप समझ रहे होंगे ये चैप्टर चैप्टर जो मैं मैं आपको गो इस ये चाहता तो सब्जेक्ट पढ़ा के ये सब थे बता के आपको बहुत जोरों में बोर कर सकता हूं पर मेरी नीति नीतिमता ये नहीं कि मैं आपको परेशान करूं मैं चाहता हूं आप सारी चीजों को प्रैक्टिकल समझे एकदम अच्छे समझे आपको दिमाग में एकदम एक एक चीज को समझना आपको बेहद जरूरी है तो बताएंगे दोस्तों अभी हम लोग प्रोक्योरमेंट में इन्वेस्टमेंट में प्रोक्योरमेंट में कितने चैप्टर्स देखिए ऑफ फाइनेंस तो आएगा अभी तक के जो तीन चैप्टर मैंने बताया ना आपको तो, वो कम से कम 15 20 दिन में पढ़ाता हूं सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ाऊंगा पढ़ा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाऊंगा पढ़ा। कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आराम से 15 सर इतना क्या पढ़ते उसमें उसके बहुत सारे एक एक चैप्टर में 30 प्रॉब्लम है 40 प्रॉब्लम्स है वो तो हमें एक एक को सॉल्व करना होगा और मेरी आदत है मैं कभी होमवर्क नहीं देता हूं मैं सारी चीजें क्लास में करवा के लेता हूं इतना मजा आएगा ना आपको आज मुझे शुरुआत करना तो एक चैप्टर से मतलब मजा आया आपको आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 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 लेवरेज लेवरेज चैप्टर 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 से क्या बोला मैंने टेकिंग एन एडवांटेज आओ देखते इस इस को शुरुआत करते इस की शुरुआत करते करते की कुछ एग्जाम्पल देख मैं शुरुआत करता हूं इसको विस्तार में तो हम लोग कल पढ़ेंगे पर आज मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है लेवरेज एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते है आओ बच्चो क्या नाम इसका लेवरेज चलो बताओ बच्चों एग्जाम्पल जो दे रहा ध्यान से सुनेगा चलो मैं यहाँ का नाम लिखता हूं सेल्स सेल्स और एग्जाम्पल कोई भी कंपनी का ले लीजिए सेल्स यहाँ पे मान लीजिए वन थाउजेंड उसमें से मैं माइनस करता हूं यहां पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट मान लो चार सौ रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है आप पैसे बचे छे सौ उसको मैं कंट्रीब्यूशन कह देता हूं ये चीजें आपको पता होगी फिर माइनस में फिक्स कॉस्ट करता हूं मान लो फिक्स कॉस्ट मेरा तीन सौ रुपए का और अब ये बचेगा मेरा ई बी आई टी ये बचेगा तीन सौ रुपए आपको समझाएगा लेवरेज किसको बोलते एग्जाम्पल सिर्फ देने दो बस चलो मान लो कंपनी ने अपने हजार रुपए का सेल अगर दो हजार कर दिया तो क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा कम होगा देवांश कितना है फोर्टी परसेंट वेरियबल कॉस्ट है तो दो हजार हो जाएगा 800, बचे कितने बचे सोर अबाउट दिस ओके अब बात करेंगे कॉस्ट दो हजार हो गया तो आपने वेरिएबल कॉस्ट बल कर दी तो फिक्स कॉस्ट भी डबल कर दो तीन सौ के छह सौ हो जाएगा नहीं सर उसका नाम ही क्या है उसका नाम है फिक्स कॉस्ट इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स रिमेन कॉन्स्टंट इसीलिए

इसी को तो कहते हैं लेवरेज इसीलिए लोग पागल है पागल अपना सेल्स बढ़ाने के लिए दोस्तों हर कोई इंसान यही चाहता है कि मेरा सेल्स बढ़े मेरा sales बढ़े भले कहते हैं अब देखो यानी कि आपने अगर देखा होगा आपने देखा होगा ये 200 परसेंट से अपना ईवीआईटी बढ़ा हुआ है और सेल कितने से बहा सौ परसेंट से यानी कि आपको क्या मिला है लेवरेज वैसे होना क्या चाहिए था सौ परसेंट सेल बढ़ा तो आपका ईवीआईटी सौ से बढ़ना चाहिए था अगर सौ परसेंट से अगर आपका ईवीआईटी सौ परसेंट सेल बढ़ता और आपका ईवीआईटी भी सौ परसेंट बढ़ता तो मैं बोलता था लेवरेज एक है इससे में लेवरेज एक नहीं ध्यान से देखिए इसका एक फॉर्मूला है मैं आपको आप बताएंगे कॉन्सेंट्रेट करना एक एग्जाम्पल में आपको सारी चीजें समझ जाएगी से देखिए स्क्रीन के ऊपर लेवरेज दुनिया में तीन टाइप के लेवरेज होते हैं सर आपके इस चैप्टर को डिटेल में भी पढ़ाएंगे भाई आने वाले दिन में इसी चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है लेवरेज लो चार दिन पढ़ाने वाला हूं आज इसकी शुरुआत है पर आज मैं आपको किस कॉन्टेक्स में पढ़ा रहा हूं ये प्रोक्योरमेंट है आज आपको समझना है थोड़ा सा अच्छे से और डिटेल में हम लोग इसके ऊपर और भी बहुत जाएंगे पर कंसेप्ट आज समझ लेंगे क्या लिखा है कितने लेवरेज यहां पर तीन लेवरेज है कौन से कौन से DOL, DFL and DCL. Degree of operating leverage, degree of financial leverage and degree of combined leverage. ज़्यादा अंदर नहीं थोड़ा सा जाएंगे. अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. Degree of operational leverage. उसमें क्या formula दिया है? Percentage change in EBIT upon percentage change in sales. चलो ये भी जाने दो. उसका मतलब देखते हैं. What is the meaning of degree of operating leverage? Taking advantage of operations of business that is operating fixed cost. यानी कि आपके बिजनेस फिक्स का फायदा उठाओ बिकॉज फिक्स चाहे आपका एक हजार से पांच हजार हो जाए चाहे एक हजार से दस हजार हो जाए आपकी कॉस्ट जो फिक्स है इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स इसी का तो आपको एडवांटेज उठाना है और इसी का तो एडवांटेज उठा रहे हैं कौन नाम तो सुना होगा बाबा रामदेव आज के इस घड़ी में मैं आपको लेवरेज समझाऊंगा बाय टेकिंग एन एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑफ इंडिया बाबा रामदेव ऐसा कौन इंसान है जो इनके बारे में नहीं जाता है आपने सभी ने सुना है। बाबा रामदेव आप इन कंपनी के बारे में जानते हो पता डली जिन्होंने दिन दोगुना रात चौगुना अपने बिजनेस को टर्न को बढ़ाए आई इस व्यक्ति को मिलते अगर हम लोग एफ एम सब्जेक्ट पढ़ रहे लेवरेज पढ़े लेवरेज चैप्टर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया होगा बाबा रामदेव ने कैसे सर क्या किया बाबा रामदेव ने लेवरे चैप्टर पढ़ा बाबा को है। हमारा एक हजार से अगर होता है तो प्रॉफिट तो 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 में बढ़ रहा है जरा देखिए इधर इधर देखो इधर देखो, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं देखो बाबा को क्या समझ में जो आपको भी समझना चाहिए बाबा ने सोचा कि मेरा जो है मेरा जो है परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्या हो रहा है परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऊपर लिखता हूं परसेंटेज चेंज इन यानी कि अगर मैं डॉल कहता हूं जरा एक थोड़ा समझ लो फिर प्रैक्टिकली और समझेगा सेल मेरा कितने से बढ़ा था बच्चो सेल मेरा सो परसेंट से बढ़ा था हजार का दो हजार हुआ फिर बच्चों बताओ ईबीआईटी कितने से बढ़ा सो परसेंट में कहता अगर वो तीन सौ का छह सौ हो रहा वो तीन सौ का नौ सौ हो गया यानी कि मैं इसको 200 परसेंट कहता यानी कि मैं कहता हूं कि डिग्री ऑफ लेवल टू है इस दो का मतलब समझा दो मुझे क्या है इस दो का मतलब क्या हुआ यानी कि मेरा अगर सेल है, एक प्रमाण में बढ़ता है तो प्रॉफिट दो प्रमाण में बढ़ता है समझा मैं क्या हो रहा सेल कितने से बढ़ा एक प्रमाण से तो प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा एक प्रमाण से नहीं दो प्रमाण से इसका मतलब क्या होना चाहिए आपने जितना ज्यादा सेल किया बोलो सेल किया, उससे कहीं ज्यादा प्रमाण में उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका मतलब कंपनी शुड फोकस मोर मोर ऑन मेकिंग सेल्स यही तो काम करती एयरलाइन कंपनी एयरलाइन कंपनीज का कितना फिक्स कॉस्ट है यार कितना कॉस्ट है वो तो बड़ा सा उन्होंने हाथी पार एयरक्राफ्ट उसकी कीमती पांच पांच सौ हजार हजार करोड़ की आती है जिसकी फिक्स कॉस्ट होता है तो इंटरेस्ट और डिप्रेशन तो चलना ही है चाहे धंधा हो तो ऐसे लोग जो जिसकी फिक्स कॉस्ट होती ना सोचो इसीलिए तो आज आपको समझ में आ रहा होगा कि एयरलाइन बिजनेस वाले कम कम सस्ते में टिकट बेच बेच के अपना सेल क्यों बढ़ाते हैं बिकॉज वो जितना सेल बढ़ाए गए उससे कहीं गुना ज्यादा प्रमाण में उनका ईवीआईटी e बढ़ा क्योंकि इनकी फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम देखो पैसेंजर एक जाए या पैसेंजर चार सौ जाए इंटरेस्ट तो उतना ही लगना है डेप्रिसिएशन तो उतना ही चलना है तो बताओ ज्यादा महंगे में कब पहले पहले देखो सस्ते सस्ते में टिकट देते फिर एंड में बढ़ाते हैं पर वो सस्ते में टिकट देते क्यों बिकॉज उनको पता है जितना ज्यादा सस्ते में देंगे जितना ज्यादा सेल होगा उससे कमान में नहीं उससे कई गुना ज्यादा प्रमाण में उनका ईबीआईटी बढ़ेगा ओके अंडरस्टैंड करो बाबा रामदेव से मिलो यार, बाबा रामदेव को नहीं मिलेगा तो क्या होगा आइए आइए देखते हैं बाबा आपके सामने नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और चार बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आपके काम की चार बड़ी खबरों के साथ आपके लिए जो बेहद अहम है सबसे पहले बाबा रामदेव की दुकान अब ऑनलाइन हो गई है मतलब अब आप एमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी पतंजलि के उत्पाद खरीद सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपको परेशान करने वाली खबर ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं यानी आपके घर का बजट थोड़ा गड़बड़ाने वाला है वहीं इंडिगो का एक और नया कारनामा सामने आया है गोवा हज यात्रा के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी जाना पड़ेगा यह भी आपको बताएं कि पहले है जिसको पूरी तरीके से अब खत्म कर... प्रोडक्टिव यूज मुस्टिव समुदाय के लिए खर्च होकर बच्चों को पढ़ाई देना चाहिए कि ये पैसा किस सेक्टर में लगाया जाए मामले के के पकड़ने बाद ने में अपनी में सफाई भी जा जारी की है कंपनी ने कहा कि बोर्डिंग गेट दस बजकर पच्चीस मिनट पर बंद हो गया देखिए ये वाली बातेशन के हाँ बावजूद और रुचि सोया का भी तेरह हजार करोड़ का पिछले साल का लगभग रेवेन्यू था हाँ। हम इस बार उसको कोशिश करेंगे कि 14 से हजार करोड़ के बीच में लेकर के जाए सर रुचि सोया का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा ओवरऑल पतंजलि ग्रुप के रेवेन्यू में देखिए अभी पतंजलि स्वतंत्र रूप से एक ब्रांड के रूप में रहेगा हां जी और रुचि सोया एक अलग ब्रांड है और हाँ उसके सब ब्रांड्स के बारे में मैंने बात की दोनों के मिलाकर के करीब 20-25 करोड़ उपभोक्ताओं तक हमारी रीच है हां जी और आ, आने वाले दो तीन सालों में 50 करोड़ उपभोक्ताओं तक रीच करना हमारा लक्ष्य है। तो नया प्रोडक्ट्स कुछ लॉन्च कर इस आ, इस जो वीडियो चल रहा है उसका हेडिंग देखिए बाबा रामदेव पतंजलि ग्रुप एमिंग एट 25,000 करोड़ रेवेन्यू 25,000 करोड़ एक जमाने में जो कंपनी जिसका रेवेन्यू से पांच करोड़ हुआ करता था अब उसका रेवेन्यू बढ़कर पच्चीस करोड़ हो रहा है आपको लगता है इसके पीछे क्या है क्यों इंसान इतना सेल बढ़ा रहा है बिकॉज को पता है कि मेरी मेरी जो मशीनरी है फॉर एग्जाम्पल उसका घी का फैक्ट्री है देसी घी बिल्कुल बहुत शुद्ध घी बनाते हैं इसका फैक्ट्री का कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है उसको मालूम है कि मैं चाहे जितना भी घी बना दू फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सिंह इसीलिए घी का सेल वो बढ़ाते हैं आप सभी लोग जानते हैं बाबा रामदेव के इस डेटा को हम लोग आपके सामने रखेंगे ताकि आपको और चीजें डिटेल में समझ में आएगी सरा इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए जो आपके सामने है इट रेवेन्यू फॉर 2016-17 क्रॉस्ड 10,000 क्रॉस्ट ते करोड़ फ्रॉम नियरली 500 करोड़ जस्ट सिक्स अगो 500 आप देखो 500 करोड़ से इन्होंने चार साल के अंदर अपना सेल कहां पे पहुंचा है दस हजार करोड़ यानी कि सेल कितने गुना बढ़ा है पांच करोड़ का दस मतलब बीस गुना सेल बढ़ा है पर क्या आपको लगता है ईबीआईटी भी बीस गुना बड़ा होगा या उससे ज्यादा गुना बड़ा होगा सोचने की बात ज्यादा बड़ा होगा बिकॉज बाबा की जो कॉस्ट है कौन सी फिक्सड कॉस्ट इट विल रिमेन सेम इसीलिए चाहे वो एयरलाइन कंपनी हो या पतंजलि जैसी कंपनी हो जिनका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत लग चुका होता है ना दे गो क्रेजी फॉर मेकिंग बिगर सेल्स इसीलिए तो ज्यादा सेल ला के ज्यादा सेल बड़ा बड़ा के बड़ा बड़ा के बड़ा बड़ा के ये लेव प्राप्त करते हैं इसलिए तो कहता हूं आप सभी से कि सेल करना क्यों ज्यादा जरूरी है अब आपको समझ में आ रहा हूं इसलिए हम कहते कि एफ सब्जेक्ट को समझना जरूरी है समझा है एफ सब्जेक्ट को बाबा रामदेव ने इस बाबा रामदेव ने इस सब्जेक्ट को समझा और इस सब्जेक्ट को समझा इसलिए तो सेल्स को बढ़ाया वरना इस इंसान को वो क्यों वो लगा दिया मैंने कलेक्ट हुआ देख आ गया ओके okay, चालू कर दू चालू करूं क्या ओके गाइस, आई एम सो सॉरी जो डिस्टर्बेंस हुआ आज ये फर्स्ट लेक्चर है तो मुझे खुद को चेक करना पड़ेगा इंटरनेट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है बट डोंट वरी कल से इट विल गो स्मूथ ठीक है ना ओके सो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि एयरलाइन के धंधे की बात कर रहा हूं सिवाय इंडिगो के कोई भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है क्योंकि इनकी फिक्स कॉस्ट बहुत

का मैं कह सकता हूं उतनी रिस्क ज्यादा क्यों सोचो मैंने क्या भारी बात बोली जितना ज्यादा लेवेज यानी कि उसकी फिक्स कॉस्ट नहीं ज्यादा है है ना यानी कि इसका मतलब यह होगा कि उसने ज्यादा सेल किया बाबा रामदेव जैसा तो वह बहुत ऊपर आएगा पर यदि उसका सेल कम हुआ तो इसका अर्थ यह है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी और सेल कम हो जाएगा सेल कम होगा इसका यह मतलब नहीं कि फिक्स कम हो जाएगी उसको सेल बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है और आज एयरलाइन के धंधे में इतनी कंपटीशन इंटेंस हो गई है कि इनके इनके सेल्स कम हो गई है और उनकी फिक्स कॉस्ट इज रियली वेरी हाई और जिसकी वजह से इन लोग का इन लोग का पूरा क्या पूरा लॉस हुआ तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा अगर आपको समझाना मतलब आज ऐसा कोई नहीं अगर आप दो कंपनी के बैलेंस शीट देख रहे हो सोचने की बात है दो कंपनी के आपको दोनों में से एक ही कंपनी में पैसे लगाना है एक का लेवरेज दो है एक का लेवरेज चार है किसमें पैसे लगाओगे <laughs> दो है एक का लेवरेज चार है एक यानी कि एक का लेवरेज चार है यानी कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं ये एक से एक है आपको दोनों में से एक कंपनी में पैसे लगाना है सौ करोड़ है अपने को पैसे लगाना है और अपन कहा गए मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे गए उनके फाइनेंशियल चेक करे मैंने आपको पहले ही कहा आपको पता होना चाहिए कि किसी कि 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 की बैलेंस शीट को कैसे रीड किया जाता है और किसी कि कि फाइनेंशियल को कैसा रीड करते अगर मान लो ये एक्स कंपनी वाई कंपनी है इनके लेवरेज की बात करते हैं और सिर्फ लेवरेज मतलब हुआ अगर यहां पे एक रुपए का सेल बढ़ा, या एक, एक में सेल बढ़ा तो चार गुना दो गुना बढ़ता है आप मुझे बताओ किसकी फिक्स कॉस्ट आपको ज्यादा लगती है इसमें से इस जिसका ज्यादा लेवरेज होता है उसकी फिक्स ज्यादा होगी और जिसका लेवरेज कम है उसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो आप मुझे बताओ धंधा चले ना चले उनको उतनी फिस्ट कॉस्ट तो बेयर करना ही है यानी कि आप बताओ रिस्की कौन सा हो गया जिसका 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 ज्यादा लेवरेज है उसका रिस्क ज्यादा है और जिसका लेवरेज कम है उसका फिस्ट कॉस्ट कम है उसकी रिस्क भी कम है ऐसा लगता ना लेवरेज ज्यादा तो लगाओ लगाओ उस कंपनी में पैसा लगाओ ऐसा नहीं करते बेटा लेवरेज ज्यादा है मतलब नालायक उसकी कॉस्ट ज्यादा है और उसकी पीस कॉस्ट ज्यादा मतलब मरने को डाल रहे है। उसकी कंपनी में इतने कॉस्ट वो कॉस्ट कब पैसे निकालेगा और कब वो प्रॉफिट बदलेगा इसीलिए लेवरेज को समझ आना चाहिए वरना लोग तो लेवरेज अच्छा है एक गुना बढ़ा तो चार गुना उसका ईबीटी बढ़ेगा अरे नालायक पहले ये समझ ले वो इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज उसकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसलिए ऐसे धंधे में पैसे बाद में लगाने के पहले उन धंधों में पैसे लगाओ जिसकी लेवरेज कम दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी अंडरस्टूड मतलब देख के लगता है अरे इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड लेवरेज ज्यादा लगाओ पैसे उधर ऐसा नहीं है लेवरेज चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो आपको पतंजलि समझ में आना चाहिए आपको एयरलाइन इंडस्ट्री समझ में आना चाहिए अरे एयरलाइन के लगी पड़ी है यार कहां रेल बर्बाद हुए लोग फिक्स इतना बड़ा हाथी है इतने एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट की की कीमत हजारों करोड़ की होती है। उसमें इतने खर्चे उनके इतना इंटरेस्ट है उसका उतना है तो इन लोग को बचना मुश्किल हो जाता है आई होप आप तो इन्वेस्ट पे करेंगे आप? जिसका लेवरेज कम है या ज्यादा है जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए समझ में आया

कितना परसेंटेज सेल्स बढ़ा सौ परसेंट ईबीआईटी कितने से बढ़ा दो सौ परसेंट बराबर है तो इसका मतलब क्या लेवरेज कितना है जब मेरा सेल सौ से बढ़ता है तो मैं ईबीआईटी दो सौ परसेंट से बढ़ता है यानी कि एक प्रमाण में सेल बढ़ जाए तो ईबीआईटी दो प्रमाण में बढ़ जाता है यानी कि मैं इसका फॉर्मूला है जो आपको समझा रहा हूं इसको फॉर्मूला बोलते देखो ऐसे मेरे देखो डॉल का फॉर्मूला कितने परसेंट देखो नीचे डिनोमिनेटर और एक एकटर डिनोमिनेटर कितने परसेंटेज चेंज मेरा सेल में हुआ नीचे कितने परसेंटेज सेल में चेंज हुआ तो बदले में कितना परसेंट ईबीआईटी में चेंज हुआ तो नीचे क्या आएगा सेल कितना चेंज हुआ बदले में ईबीआईटी कितना क्योंकि सेल बदलेगा तो ईबीआईटी बढ़ेगा सेल ही नहीं बदला तो ईबीआईटी कैसे बढ़ेगा तो कितना परसेंट, परसेंट मेरा ईबीआईटी कितना परसेंट मेरा सेल बढ़ा बदले में कितना परसेंटेज मेरा ईबीआईटी बढ़ा तो नीचे कितना आएगा हंड्रेड परसेंट क्या मेरा सेल बढ़ा बदले में ईबीआईटी कितना बढ़ा दो सौ परसेंट तो ये दो क्या है व्हाट इज ये लेवरेज है पर इसका मतलब क्या मत है व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ टू यह मत बोला दो का क्या है एक गुना अगर आपका सेल बढ़ा तो ईबीआईटी दो गुना बढ़ता है इसलिए बाबा रामदेव क्या करते सेल बढ़ाएंगे या घटाएंगे और जितना बढ़ाएंगे बदले में प्रॉफिट उसके कहीं गुना ज्यादा बढ़ता रहा ये बातें समझ में आ रही है तो मैं चाहूंगा आप लिखेंगे प्लीज लिखना चालू करिए चलो चलो लिखते हैं ऑन गैस ऑन लेडिंग दीजिएगा लेवरेज हिडिंग दो लेवरेज बिकॉज इस चैप्टर के हमें अंदर घुसना है पढ़ना है इस चैप्टर से सेवरेज और उसमें सबसे पहले पॉइंट डीओ एल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अब डीएफएल क्या होता है डीसीएल क्या होता है सारी बातें विस्तार में पढ़ेंगे एक दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं तीन चार दिन लगते हैं अभी डॉल से शुरुआत की है ओके शांति सुनो प्रैक्टिकली समझो देखो अगर मैं चाहता तो आपको एक एग्जाम्पल देके खत्म करता पर मैंने आपको पतंजलि घुसेड़ा बीच में फिर एयरलाइन घुसेर दिया बीच में आपको बाबा रामदेव तक दिखाया और वो बाबा रामदेव का जो दूसरा वीडियो था तो, वो क्या बोल रहा था ना बाबा रामदेव ने ई कॉमर्स में एंट्री कर दिया आप बताए क्यों क्या इतनी मस्ती बाबा रामदेव को ई कॉमर्स में आने की बाबा रामदेव ने वो पूरा भाषण मेरे सुना हुआ है उसमें कहता है बाबा रामदेव की भाई लॉन्च किया बिकॉज आजकल यूथ बहुत ज्यादा है और इसलिए ई कॉमर्स लॉन्च कर दिया अब लोग घर बैठे ही परंजलि और ये करने से सेल और बहुत सेल मेरा तो बच्चों, बाबा रामदेव सेल क्यों बढ़ा है बिकॉज के बस में उसको पता है एक गुना सेल बढ़ाएगा कहीं गुना उसको प्रॉफिट ज्यादा उसके कही गुना मिलेगा इसलिए ही इज मेकिंग मोर सेल्स ओके तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ Fixed cost taking an advantage of fixed cost. It means irrespective of it means irrespective of.

With the help of example of Patanjali, through this example, we would be able to understand. वाई पतंजलि इज ट्राइंग टू इंक्रीज टर्न ओवर पब्लिक सेल्स टर्न ओवर सेल्स दोनों ही होता है वाई पतंजलि इज ट्राइंग टू इंक्रीज सेल्स आप चलो आप जो स्क्रीन पे लिखा है आपको लिखना है लिखो जल्दी से जो स्क्रीन पे दिया आपको लिखना है 1000 10 फिर सौ वेरिएबल कॉस्ट छह सौ कॉन्ट्रीब्यूशन फिर फिक्स कॉस्ट तीन सौ फिर तीन सौ उस तरह से आपको लिखना है ओके लिखते चलो लर्न प्रैक्टिकली एम ओके फिक्स कॉस्ट दोनों भी केस में सेम ही होगी उसको डबल मत कर देना गलती से चलो अब ये लिखने के बाद में आपको क्या समझा समझा क्या करना है अब मुझे बताओ हमें क्या निकालना है? लेवरेज निकालना। तो लेवरेज का फॉर्मुला क्या है वापस बताओ डीओ का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज इन नीचे क्या है सेल्स भाई कितना सेल चेंज हुआ तो बदले में कितना ईबीआईटी बढ़ जाता है? है ना देखो नीचे क्या है? देखो लॉजिक, फॉर्मूला याद नहीं करते एकदम समझो ये भाई कितना, दिस इन कितना बढ़ा तो भाई कितना तो तो डॉल का फॉर्मुलिखो डीओल इज इक्वल टू ऐसा आपको नहीं आता था ऐसे लिखिए डीओएल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एवरेज इज इक्वल टू ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स भाई इतने गुना सेल्सर बढ़ा तो बदले में हुआ दो हजार तो आएगा डिनोमीटर में सौ परसेंट अब ईबीआईटी तीन सौ के बदले कितना छह सौ होना चाहिए पर हुआ कितना नौ सौ तो दो सौ परसेंट से बढ़ा वो आपको समझता है कि दो सौ कैसे निकाला बताओ एक बार 300 से कितना हो पो हा छ तो, तो कैसे निकालते है? अगर ये पूछा किसने दो 200 परसेंट कैसे है तो बता दो कि एक बार ये देखो तो भाई 300 था 900 हुआ इसका मतलब क्या है वो 300 पे 600 बढ़ा 300 था ही पर 300 सौ कितना बढ़ा? 600 सौ बढ़ा तो ऊपर आएगा 600, नीचे आएगा 300, यानी कि ये होगा 200 सौ 200 परसेंट परसेंट के फॉर्म तो में समझ में आया मैं क्या बोला और अगर आप कहेंगे वो 100 परसेंट कैसे आया था क्योंकि वहां पे हमने देखा था वहां पे हजार सेल था वो दो हजार हुआ था यानी कि बढ़ा कितना हो हजार था हजार पे हजार बढ़ा यानी कि 100 परसेंट वो तो कुछ लोगों के मैथ्स अच्छा तो उनको समझ गया सौ परसेंट क्यों लिया

बड़ा सेल्स तो ईबीआईटी तो दो प्रोपोर्शन बढ़ता अगर मैं एक ऐसा बोलू अगर लेवरेज एक है तो वॉट इज द मीनिंग इफ इज वन इसका मतलब सेल एक गुना बढ़ेगा तो ईबीआईटी भी एक ही गुना बढ़ेगा ऐसा होगा जब फिक्स कॉस्ट जीरो हो गए इट इज नो फिक्स कॉस्ट और ऐसे कंपनी में अपने गधो पैसे लगाना चाहिए उसका ऐसा मत लो बेचारे का एक लेवरेज है पागल अच्छी बात है फिक्स कॉस्ट जीरो इसकी अच्छी बात है ऐसा धंधा ऐसे धंधे दिखने को मिलते हैं तारीख में जीरो एक कॉस्ट ही नहीं है उसको फिक्स कॉस्ट नहीं समझ में आ रहा है मतलब जिसका जिसका लेवरेज एक अच्छा है या दो अच्छा है जिसका लेवरेज एक है वो अच्छी क्या नहीं अच्छी चलो एक काम करते हैं मैं आपको पूरा दो का मतलब लिख दो लिखो हिंदी में लिखते एक प्रमाण में इंग्लिश में भी लिखूंगा एक प्रमाण में सेल अगर बढ़ा एक प्रमाण में यानी कि एक प्रपोर्शन में ओके एक प्रमाण में सेल बढ़ा तो ईबीआईटी दो प्रमाण में बढ़ता है है ना तो ईबीआईटी दो प्रमाण में बढ़ता है आ, लिखा तो इंग्लिश में कैसा बोलेंगे इफ सेल्स इंक्रीजिंग इन वन प्रपोर्शन देन ईबीआईटी विल इंक्रीज इन वॉट टू प्रपोर्शन मतलब प्रमन बोलते हैं उसको प्रमंडन बोलो जैसा भी आपको जो लैंग्वेज को इंग्लिश समझे हिंदी समझो फर्क नहीं पड़ता समझना इंपॉर्टेंट है अब चलो इस बात को मैं आपको समझाने के लिए एक बार प्लीज, प्लीज प्लीज अच्छे बच्चे और मेरे बच्चों चलो अपन क्या करते यही एग्जाम्पल लेते सेल हुआ एक हजार वेरियबल क्वेश्चन कितना था अपना फोर हंड्रेड अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ सिक्स हंड्रेड माइनस सिक्स कॉस्ट जीरो कर देता हूं आप देखो जलवा मजा आएगा आपको EBIT कितना है 600 अब सेल कितना हुआ 2000 वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 800 अभी कंट्रीब्यूशन 1200 फिक्स्ड कॉस्ट जीरो लेते हैं बिकॉज़ फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट ही हो गए अभी कितना बचा 1200 अब मुझे बताओ क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ इसका आपका सेल बढ़ा है 100% से और आपका ईबीआईटी भी बढ़ा है 100% से इसका मतलब क्या हुआ जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होती ना लेवरेज वहां पे वन आता है बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है डॉल का अरे बोलो रे नीचे क्या है अरे बोला नीचे क्या है इतना चेंज हुआ सेल में तो बदले में कितना ही चेंज हुआ तो परसेंटेज चेंज इन सेल परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना परसेंटेज सेल चेंज हुआ था 100 परसेंट चेंज हुआ था बदले में कितना ईबीआईटी चेंज हुआ पे सौ हुआ यानी कि लेवरेज एक हुआ ऐसे समय पे बाबा रामदेव को सेल को ज्यादा बढ़ाने की मोटिवेशन नहीं मिलेगी क्यों बिकॉज तो उसको गलती का जितना मैं सेल करूंगा बस उतने ही प्रमाण में, में मेरा ईबीआईटी बढ़ने वाला है केस नंबर वन में क्या था वो एक सेल बढ़ता था बदले में दो ई बी आई बढ़ता था यहां पे क्या हो रहा है वो जितने प्रमाण में उसका सेल बढ़ाएगा उतने ही प्रमाण में उसका ई बढ़ेगा

ज़्यादा था उसका लेवरेज कितना हुआ? टू हुआ तो इसको ये वाले केस में जब लेवरेज दो है देखो ना एग्जाम्पल दो है वहां पे थी? थी। एक है तो इसका फिश है? है तो मुझे जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है वो धंधा रिस्की क्यों होता है झक मार के झक मार के उतना सेल करना जरूरी हो जाता है समझ गए आप और जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है उसको तो सेल हुए है, ना हुए चलो लॉकडाउन के समय पे कौन से लोग बर्बाद ज्यादा हुए अभी देवांश अगर तो मतलब गया आज? आप थोड़ा सोचो बताओ कौन से धंधे ज्यादा बर्बाद होंगे जिसका लेवरेज एक है जिसका लेवरेज दो है आप चलो चलो मॉल में आपकी एक शॉप है कोई तो बहुत बड़ा मॉल है आपके शहर में जिसका रेंट जाने वाला है आप मुझे बताओ कौन से लोग मरेंगे जिसका जिसका रेंट वो लोग वो लोग जिसका रेंट जाने ही वाला है इसका मतलब उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है बताओ बच्चों इसका मतलब उसका लेवरेज ज्यादा होगा बताओ वो लोग क्यों मरेंगे क्योंकि उनका सेल हो चाहे ना हो उनको तो झक के रेंट देना ही है पर सोचो जिनका रेंट ही नहीं जिसका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है वो बचेगा भाई

रेंट देना है इंटरेस्ट देना ही है इसीलिए अब एक काम करेंगे ये जो पहले बार की स्टडी था वहां क्या था ये वाला जो एग्जाम्पल था वो क्या था जहां पे हमने फिक्स कॉस्ट दी थी नाउ लिखो नेक्स्ट पॉइंट पे नाउ लेटेस्ट अंडरस्टैंड द सेम एग्जाम्पल नाउ लेटेस्ट अंडरस्टैंड द सेम एग्जाम्पल वेयर वेयर कम ऑन वेयर वेयर क्या फिक्स्ड कॉस्ट इज जीरो फिक्स्ड कॉस्ट जरोटेस्ट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन लेवरेज लेटेस्ट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन लेवरेज देखते हैं लेवरेज के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होगा अब आपको यह लिखना है जल्दी लिखो बच्चों चलो हम आपके लिए एक गाना बजाते हैं तब तक होप आपने लिख लिया होगा ओके तो लेवरेज कितना हुआ कितना लेवरेज हुआ इसके फॉर्मूला बोल सकते एक बार नीचे क्या चेंज इन Sales. सेल्स ऊपर क्या चेंज इन ईबीआईटी e e e इस बार कितना है ये भी सौ परसेंट वो भी सौ परसेंट एक लेवरेज है यानी कि क्या प्रूव हो रहा है जिसका फिक्स्ड कॉस्ट जीरोज एक आता है मतलब कंक्लूजन लिखो मीनस

देखो अब नेक्स्ट साह उसके आगे इफ आई एम द इन्वेस्टर अगर मैं इन्वेस्टर हूं मुझे पैसे लगाना है इफ आई एम द इन्वेस्टर एंड आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द कंपनी एनी ऑफ द कंपनी मतलब दोनों का एक दोनों में से कोई भी एनी ऑफ द कंपनी देन ऑन द पैरामीटर ऑफ लेवरेज ऑन द पैरामीटर ऑफ लेवरेज विच कंपनी शाल बी सिलेक्टेड विच कंपनी शाल बी सिलेक्टेड कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए चलो अब आपके पास में है हाई फिक्स कॉस्ट के लिए लेवरेज कितना दिया हमने कितना है दो और जीरो फिक्स कॉस्ट के लिए कितना है वन तो इसका मतलब कहां पे रिस्क ज्यादा हुआ जिसका लेवरेज वन है कि जिसका लेवरेज टू है टू है क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे हाई यहां पे लो किसकी रिस्क ज्यादा है टू क्यों तो फिक्स कॉस्ट है तो उसका रिस्क कैसे होती पे है वहां पर फिक्स कॉस्ट है मतलब उसका धंधा चले ना चले लॉकडाउन भी हो बेचारे को घर से बेचारे को फिक्स कॉस्ट भरना जरूरी है इसलिए तो लोग कह रहे थे मरे तो चलेंगे इकोनॉमी भाड़ में जा रही क्योंकि प्रॉब्लम क्या था इस लॉकडाउन में कोरोना होने के बावजूद भी आप देख रहे हो कई लोग आपको लग रहा होगा यार क्या इन लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है अरे उनके अंदर जाके देख लो उनको कितनी आग लगी है बेचारों का इंटरेस्ट जा रहा है इधर धंधे बंद है उनका रेंट जा रहा है इंटरेस्ट जा रहा है फिक्स कॉस्ट उनके माथे बैठ रही है और आप बोलते लॉकडाउन में घर में बैठे वो बोलेगा भाई कोरोना से तो बाद में मरूंगा फिक्स कॉस्ट से मर जाऊंगा समझे आप हो गया ओके ओके समझ चाहते हैं फिर से एक बार आपको जो ये आज आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है इसलिए चला है प्लीज जरूर ये लिख दीजिए जो जहां पे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है आपको okay? so, क्या, तो आप क्या समझा कि एफ सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स के लिए सिक्सटी मार्क्स के लिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं दो पार्ट में एक कौन सा होगा प्रोक्योरमेंट और एक कौन सा होगा इन्वेस्टमेंट चार चैप्टर इधर से और चार चैप्टर उधर से आप सभी ने देखा आपको फिर से मुझे बताना है दोस्तों इसके अंदर जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके अंदर जब पढ़ रहे थे ये जो चार हमने देखे आज, ये जो जो चार चार हमने हमने देखे देखे आज आपको ये जवाब देना है मुझे कि जो पैसे जब हम लोग लाते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रोक्योरमेंट या इन्वेस्टमेंट हम जब पैसे हैं उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट अब हम लोग जब उसको लगाते हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट आपको जवाब देना दोस्तों कि हमारी किसकी कॉस्ट किससे ज्यादा होना चाहिए योर जब हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं तुम्हारे दिमाग में एक बात होना चाहिए कि ये सस्ते में मिले और जब हम लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इसके रिटर्न ज्यादा होना चाहिए दोनों का अपना एक ऑब्जेक्टिव है बताओ क्या होगा तो ही धंधा करना चाहिए अगर हम लोग जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न अगर ज्यादा होगा इससे प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट से तो ही धंधा करना चाहिए यानी कि प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट दस परसेंट है और इन्वेस्टमेंट अगर उसके जहां से जिससे रिटर्न तो आने वाले हैं अगर वो छह परसेंट ये है तो ऐसे समय पर धंधा नहीं करना चाहिए तो बताएंगे दोस्तों तो प्रोक्योरमेंट के चार चैप्टर्स कौन से कौन से नंबर वन एक पहला चैप्टर समझाता मैं और मयूर अगर धंधा कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर समझाएगा कि कहां कहां से पैसे लास्ट कॉस्ट तो जरूर चेक करना जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं बताएंगे देवास आप बताओ कि सबसे पहले क्या सोचना चाहिए जब भी हम लोग कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसे लाना चाहिए कौन सी जगह से पैसे लाए जिसकी कॉस्ट कम है कि ज्यादा है कम है और तीसरी बात बताओ तीसरी पर बताओ तीसरे का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर इसके लिए मैंने आपको रिलायंस की बैलेंस शीट बताई थी आपको लगता नहीं कि देश शुड बी प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी अगर ज्यादा डेट लेंगे तो आपकी रिस्क बढ़ जाएगी बिकॉज उसके ऊपर तो आपको देना ही है इंटरेस्ट क्योंकि आप कमाओ ना कमाओ आपको देना ही है ज्यादा ज्यादा अगर इक्विटी करोगे तो आपका आपका जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगा इसलिए शुड बी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी वो समझाने के लिए आता है चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर थ्री को समझाते समय मैंने रिलायंस की बैलेंस शीट से आपको समझाया था देखो यहां पर इन्होंने लोन भी लिया है देखो इन्होंने शेयर कैपिटल भी किया है देखो इनका रिजर्व भी है वो चैप्टर नंबर तीन समझाया हमने कैसा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए और चौथा चैप्टर आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है लेवरेज जिसको हमने अभी डिटेल में देखा आप थोड़ा सा इसको विस्तार में बताना लेवरेज का मतलब क्या है शब्द कब निर्माण होता है एक से ज्यादा लेवरेज कब बढ़ता जब हो है जब कॉस्ट कॉस्ट है बताओ जिस कंपनी की जीरो होंगी उसमें क्या होगा लेवरेज वन होगा जितनी जितनी ज्यादा फिक्सड कॉस्ट बढ़ती है लेवरेज उतना ज्यादा बढ़ता है और जितना लेवरेज ज्यादा उतनी फिक्स कॉस्ट ज्यादा यानी कि कंपनी की रिस्क उतनी ज्यादा इसलिए बताओ बच्चों आप कौन सी कंपनी में पैसे लगाएंगे आप ऐसे ही कंपनी में पैसे लगाना जिस कंपनी में लेवरेज कम है क्योंकि लेवरेज कम होगा तो फिक्स दोस्तों आज के बाद में कभी भी आप निवेश करोगे ऐसी जगह पर ही निवेश करोगे जिसका लेवरेज कम होगा बिकॉज कमाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती बिकॉज उनकी फिक्स कॉस्ट वैसे भी कम हो जाती है आज बताओ कौन सा लेवरेज देखा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज देखा बताएंगे डॉल का फॉर्मूला क्या है क्या चेंज तो क्या चेंज परसेंटेज चेंज इन सेल्स इतने प्रमाण में सेल चेंज हुआ तो बदले में उतने प्रमाण में कितने प्रमाण में हमारा ईबीआईटी बढ़ता है तो फॉर्मूला क्या है ऊपर क्या आएगा परसेंटेज चेंज इन नीचे क्या आएगा परसेंटेज चेंज इन वॉट आएगा तो आप मुझे बताओ जिसका लेवरेज मतलब है अगर एक प्रमाण में सेल बढ़ता है बोला गया तो आपका ईबीआईटी दो, दो, दो प्रमाण में बता है और जिसका लेवरेज एक है इसका मतलब क्या है एक प्रमाण में ही सेल बढ़ेगा तो एक ही प्रमाण में ईबीआईटी बढ़ेगा आप मुझे बताओ बाबा रामदेव जैसे लोग ज्यादा सेल क्यों करना चाह रहे बिकॉज कॉस्ट विल रिमेन फिक्सड इन ऑफ

और अनिल अंबानी आप मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस एक हुआ बर्बाद और एक हुआ आबाद आप बताएंगे क्या प्रॉब्लम है दोनों में से दोनों को यह समझ में अनिल अंबानी की प्रॉब्लम ही नहीं थी कि उसको प्रोक्योरमेंट करते नहीं आया अनिल अंबानी की यह प्रॉब्लम थी कि उनको पैसा निवेश करते नहीं आया उन्होंने एफएम को आधा पढ़ा प्रोक्योरमेंट उन्होंने क्या नहीं पढ़ा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एग्जैक्ट क्या होता है हमें कल के चैप्टर में कल के हमारे लेक्चर में देखना होगा वी हैव टू अंडरस्टैंड की वॉट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड वी हैव टू चेक टूमोरो

सितंबर अक्टूबर और अगस्त के दस वाला दिन यानी कि ढाई महीने आपको मिलना चाहिए अगर आप कहेंगे सर, <coughs> इतनी आदत नहीं है हम तीन चार घंटों से ऊपर नहीं बैठ सकते तो आदत आपको डालना पड़ेगी अगर आदत नहीं डालेंगे तो हम लोग पोर्शन टाइम पे खत्म नहीं कर पाएंगे एन इफ विल नॉट बी एबल टू फिनिश पोर्शन ऑन टाइम तो आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आप सभी को मैं ये भी गारंटी कर देता हूं कि यहां की क्लास में हम लोग को करेंगे हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं मैं होमवर्क नहीं देता मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करता मुझे पता है बच्चा घर जाने के में कुछ भी नहीं पढ़ता मुझे लगता है मेरी क्लास डेढ़ घंटे के बदले में पौने दो घंटे करूंगा वो प्रॉब्लम नहीं पर मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा बिकॉज मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कोई घर जाके पढ़ेगा इसलिए क्लास में हमेशा कहते हैं यू वॉन्ट होम और आपको पढ़ाने के लिए भी कह रहा हूं कि जैसे लेवरेज चैप्टर हो गया और अगला एक चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया वो जैसे खत्म हो जाएंगे हर एक चैप्टर होने के बाद में हम क्या करते हैं उसका रिविजन करते हैं और आईसीआई के सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हैं अब उन्हें तो दो तीन दिन लेवरेज जैसे खत्म होगा मैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करूंगा और मैं गारंटी करता हूं सॉल्व मैं नहीं करूंगा आप करेंगे और उस दिन आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लोग सर सही कह रहे थे यार मतलब सर के लिए क्वेश्चन तो हमें आते ही है वो बात अलग है बट यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो एंड टू अंडरस्टैंड कि मैं तो आईसीआई के क्वेश्चन पेपर जो अभी दो हजार दो हजार उन्नीस खुद सोल्व करोगे वादा है so भरोसा करें सारा जो टीचिंग होगा बहुत मजा आएगा आपको थैंक यू सो मच गायर फिर मिलेंगे कल सवेरे दस बजे थैंक यू सो मच गाय टेक केयर बाय बाय टेक केयर गुड नाइट थैंक यू